जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तब कहा था कि नवनीत राणा को हम हराएंगे, हराने की पहली मुख्य भूमिका थी। क्या कारण, क्यों हराना चाहते आप उनको? एक तो उनका जो बर्ताव है रवि राणा का, वो तो बहुत ही गलत है। कितने बार मेरे को तोड़ी बाज बोला, कहीं भी जाता तो पैसे खाता है। भाई भी बोलते हैं साथ में आपको। कैसा है कि वो उनके भाई के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं। अगर भाई, बड़े भाई बोलते हो और ऊपर से तोड़ी बाज भी बोलते हो तो आपका भाई का रिश्ता भी इसी तरह होगा। ऐसे संस्कार है उनके। अगर भाई बोलना है तो फिर भाई को हम गलत नहीं बोलते, अगर गलत बोलना है तो भाई नहीं बोलते। तो ये संस्कार अगर राणा फैमिली के है तो बहुत गलत है। एक तरफ भाई बोलना और दूसरी तरफ बोलना कि भाई ये हर इसमें 350 गुन्हे दाखिल किए, ये मैनेज के थोड़े मैनेज होना, तो गुन्हे कहाँ दाखिल होते थे। तो इस तरह से जो सच नहीं है, पूरा झूठ आरोप हो सकते हैं लेकिन कुछ तो सच हो ना। पूरा झूठ अगर बोलते होंगे तो उसका तो बिल्कुल हम निषेध ही करने वाले थे। हमने बिल्कुल ठाम लिया था कि इसका जवाब। रवि राणा ने बोला खड़ी नवनीत राणा है और बीजेपी से खड़ी है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, जहाँ तक कि सारे देश अभी लोग बोल रहे कि इस बार 400 पार, इस बार मोदी सरकार, और ऐसे में आप बीजेपी के उम्मीदवार से पंगा लेके बैठे हैं। वो तो पंगा गिंगा मैं नहीं मानता हूँ, मुझे इनसे पंगा और ये इतने बड़े मैं तो समझता ही नहीं, और मेरे लिए बहुत छोटे लोग हैं वो, बहुत बहुत ही छोटे हैं। देखो हम वार करने से ज़्यादा हम वार लेने में बहुत ताकतवर हैं। हम वार करने की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बच्चों को अपना, हाँ हम बच्चों को अभी तक जो लड़ा है ना, बहुत दिलदार और जान हथेली पे लेकर लड़ा है। और मैं ऐसे बातें ऐसे लोगों से कभी मेरे को डरता भी नहीं, डर लगता भी नहीं। मैं पीएम के गांव में गया था, आपको पता होगा, मैं मंत्री घर, मंत्रियों के घर में घुसा था, दो दिन रहा था। तो मैं ऐसे लोगों से नहीं डरता हूँ, मैं बिल्कुल बिंदास हूँ और मैं अकेला भी घूमता हूँ। उनको लगता होगा मैं बॉडीगार्ड, मेरे को तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आते। जहाँ जिस तरह से हमला होगा उस तरह से बच्चों की तैयारी है, देने के नहीं है। उतना भी हम देखते हैं कि हमने 115 बार रक्तदान किया है। मैं कुछ खून निकालने में से जो क्या बोलते हैं रक्त निकालने में से नहीं हूँ, मैं देने में से हूँ, दान करने में से। हमारी विचारधारा वो है और वो विचारधारा खून बहाने वालों से और ज़्यादा वीरता होती है। जैसे सैनिक लड़ता है वो निकालता भी है और देता भी है, ताकत भी रखता है। तो मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता। और ऐसे तो ये तो बिल्कुल मामूली भाग है, ये कोई हमारे जिंदगी का एक थोड़ा सा हिस्सा होगा। युवाओं के लिए क्या